हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं विशाल, आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करें जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ऐप है, सेकेंड वीडियो है आज की जो हमारी है, वो है हमारी बॉयकॉट चाइना के ऊपर। ओके दोस्तों, बॉयकॉट चाइना में हमने शुरुआत कर दी है। तो दोस्तों, बॉयकॉट चाइना में आज हम दूसरी ऐप लेके आए हैं, जो दोस्तों जैसा कि आप शेयरइट वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारे शेयरइट हो गया, जेंडर हो गया, ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए आप यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन वीडियो है, ये ट्यूटोरियल नहीं है, आप इसे खुद यूज़ कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा ब्राउज़र है। ओके दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे लिंक मिलेगी। ओके दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे, वहाँ पर आपको सबसे ऊपर इसके लिए लिंक मिल जाएगी। बहुत अच्छा ऐप है ये। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, शेयर कर सकते हैं डेटा, और बहुत फास्ट है ये, इंडिया में बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, इंडियन ऐप है ये, बहुत अच्छी है। ओके दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले लीजिएगा और वहाँ से जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करके आप सेंड कर सकते हैं, और बहुत फास्ट है इसका ट्रांसफ़र। आप शेयरइट से इसे कंपेयर करके देख लीजिए, शेयरइट से बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, ये इंडिया का बनाया हुआ है, तो इंडियन ऐप है, तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा इसे। ओके दोस्तों, रिसीव करने के लिए रिसीव का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। ओके दोस्तों, इसके लिए आपको आपका हॉटस्पॉट वगैरह जैसे कि यूज़ करना होता है, वैसे ही आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बहुत अच्छी है, इसका जो इंटरफेस देखेंगे वो भी बहुत प्यारा है। तो ये हमारा बॉयकॉट चाइना में देख सकते हैं एक एपिसोड है, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप डेटा ट्रांसफ़र का यूज़ कर सकते हैं शेयर इट की जगह इसको यूज़ करके। तो यूज़ कीजिएगा, बॉयकॉट करना है हमें चाइना को, नई ऐप हमें यूज़ करनी है जो इंडिया की बनी हुई है। दोस्तों, इंडिया की अगर आपको कोई ऐप नहीं मिलती, तो आप किसी और कंट्री की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चाइना की नहीं करनी है। ओके दोस्तों, तो अवॉइड कीजिएगा। दोस्तों, मुझे पता है कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मेरा शामी का फ़ोन है, तो ये भी कहीं ना कहीं चाइना से लिंक है। तो दोस्तों, मेरे पास अभी यही फ़ोन है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता दूसरा फ़ोन, इसीलिए मैं अभी यही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आई प्रॉमिस, मैं जब भी कोई नेक्स्ट फ़ोन लूँगा या फिर जो चीज़ भी लूँगा, मैं धीरे धीरे करके ये चीज़ें अवॉइड कर रहा हूँ, चाइना की चीज़ें यूज़ करना। तो मैं प्रिटी श्योर हूँ, और आगे से मैं भी ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं चीज़ें नहीं लूँगा चाइना की। तो आप भी अवॉइड कीजिएगा, ये ऐप यूज़ कीजिएगा आप दोस्तों, डेटा ट्रांसफ़र के लिए अच्छी ऐप है। और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिएगा, शेयर इट को अनइंस्टॉल कर सकते हैं आप। तो इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही है इस वीडियो में, बाकी आप यूज़ कीजिएगा इसे और बताइएगा। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं गूगल पे। ओके दोस्तों, इंडिया का ऐप है ये, इंडिया का ऐप है, तो यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।